ना टैबलेट खाना होगा ना इंजेक्शन लगवाना होगा। वैक्सीन पर उठे सवाल के बाद योगी लेकर आए इलाज का नया मॉडल। अमेरिका ब्रिटेन वाले वैज्ञानिकों के भी उड़े होश जब सुना भारत ने 100 रुपए में ढूंढ लिया कैंसर का कारगर इलाज। महंगे हॉस्पिटल के बिल से है परेशान, सरकारी अस्पतालों की भीड़ देख लगता है डर। तो सुनिए योगीराज का नया इलाज। जब पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे, वैज्ञानिक से लेकर आम आदमी तक इस बात को लेकर चिंतित था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, तब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक ऐसा काम कर रही थी जिसे सुनकर आप योगी के विरोधी होंगे तब भी ताली बजाएंगे। यहाँ तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज साहब ने भी कह दिया कि ये तो बढ़िया है। जिस जमाने में दुनिया टैबलेट और इंजेक्शन पर निर्भर हो गई है, सिर दर्द हुआ तो तुरंत गोली, बुखार हुआ तो तुरंत गोली, उस दौर में योगी सरकार इलाज का एक ऐसा मॉडल लागू करने जा रही है जिसमें ना तो आपको इंजेक्शन लेनी होगी और ना ही टैबलेट खाना होगा, बिना इसके ही आप ठीक हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या वो पुराने जमाने वाला वैद्य वाला इलाज है? तो इसे समझने के लिए आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश देखना होगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस की जा सकती है, बस प्रैक्टिशनर अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द नहीं लगा पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पद्धति से अब यूपी में आप इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या। ये वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा विज्ञान है। भारत में इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता नहीं थी। साल 1865 में इटली के डॉक्टर काउंटर सीजर मेटी ने इसकी खोज की थी। इसमें पेड़ पौधों के रस से चिकित्सा की जाती थी। हालांकि उससे पहले भी हमारे देश में जड़ी बूटियों से इलाज करने की प्रथा है। हमारे ऋषि मुनि बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज चुटकियों में कर दिया करते थे और बड़ी बात ये थी कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आज जो हम दवा खा रहे हैं उसमें तमाम साइड इफेक्ट्स हैं। बुखार के लिए जो आप डोलो 650 टैबलेट खाते हैं उससे पेट में परेशानी या उल्टी हो सकती है। जो वैक्सीन आपने लगवाई है उससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, ऐसी रिसर्च सामने आई है। जो भी पेन किलर आप लेते हैं उससे किडनी और लीवर तक खराब हो जाते हैं। यानी लगभग हर वो दवा जो आपको तुरंत ठीक कर रही है उसे लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से आपको नुकसान भी तगड़ा हो सकता है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अब कुछ ऐसी पद्धति को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिनका नुकसान कम हो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि एलोपैथिक दवाएं ही सिर्फ ऐसी हैं। इलाज के जो दूसरे तरीके हैं उसमें ऐसे खतरे हैं, लेकिन प्राचीन इलाज में साइड इफेक्ट का खतरा कम है। पर प्राचीन दवाओं के नाम पर अगर कोई पतंजलि की तरह सिर्फ अपनी दुकान चलाए तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी कैसी फटकार लगाएगा, ये पतंजलि वाले केस से आप समझ सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने जब इस पद्धति को मंजूरी दी है तो अब योगी सरकार को इसे सही से लागू करवाने पर ध्यान देना होगा। हालांकि सरकार के वकील का कहना है कि इसके तहत प्रैक्टिस के लिए नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। अगर केंद्र नियम बनाता है तो सरकार उसका अनुपालन करेगी। मतलब सरकार को नियम बनाना होगा, जब तक नियम नहीं बन जाते आपको किसी पेड़ के नीचे बैठने वाले ऐसे वैद्य के भरोसे रहने की जरूरत नहीं जो आपका मर्ज ठीक करने की बजाय आपकी परेशानी बढ़ाए। आपको याद होगा धोनी भी एक वैद्य के पास इलाज के लिए गए थे और उन्हें राहत भी मिली थी, हालांकि बाद में ऑपरेशन करवाना पड़ा। प्राचीन काल में भी शल्य चिकित्सा के लिए अलग वैद्य थे और नॉर्मल बीमारियों के लिए अलग, पर भारत की चिकित्सा पद्धति का मजाक इसलिए भी उड़ाया गया ताकि उनका बाजार बना रह सके। पर हमें अब ये सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।